रिसर्च का मीनिंग आप वर्ड से क्लियर कर सकते हैं आर ई प्लस सर्च मतलब रिसर्च जिसको हम कह सकते हैं वी कैन से दैट सर्च अगेन किसी के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम दोबारा उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं तो वो हो जाता है मीनिंग ऑफ रिसर्च डेफिनेशन के अंदर हम कैसे इसको पिरोएंगे हैं ठीक है तो वो देखते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी जब भी आपको डेफिनेशन पूछी जाए ये लिख सकते हैं आप रिसर्च मीन्स ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक मीन्स रिसर्च के अंदर जो मेन जो चीज़ होती है ध्यान रखने की वो क्या होती है स्पेसिफिक टॉपिक आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है जो काम करते हैं उसके जो आप बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं या इंडिविजुअल हो गया कोई भी व्यक्ति हो गया जिसके आप हेल्थ के ऊपर मेंटल बिहेवियर इमोशन कल्चर किसी एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो वो जो सिंगल में हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक जो टॉपिक होगा अगर हम उसको प्रूव करने में जो हमारा क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर देने के लिए जो सक्षम हो जाते हैं तो हमारी रिसर्च है जो कंप्लीट हो जाती है हमारी रिसर्च है जो वैलिड हो जाती है हम एक और डेफिनेशन के साथ समझेंगे द साइंटिफिक मेथड इज़ ए बॉडी ऑफ टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और करेक्टिंग इंटीग्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज हम क्या कर सकते हैं किसी भी एक फिनोमिना को किसी भी एक चीज़ को जो हम किस लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक्वायर करने के लिए नई नॉलेज को या फिर उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर कुछ ठीक करने के लिए आपने देखा होगा साइंस के अंदर कई टॉपिक ऐसे होते हैं ये कहते हैं कि वो उस साइंटिस्ट ने किया है और उस साइंटिस्ट के बाद इस साइंटिस्ट ने इसके अंदर है जो करेक्शन uh, की है तो हम कह सकते हैं उसको करेक्टिंग बोल देते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज मीन्स हम पुरानी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को नई नॉलेज जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर देना ठीक है एक और डेफिनेशन के साथ क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन किया जाता है उन्हें सिस्टमैटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज नॉलेज के, के स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ए मैन कल्चर सोसाइटी एंड द यूज़ ऑफ दिस स्टॉक ऑफ द नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस और इस जो हम नई जो नॉलेज का स्टॉक तैयार तो कर रहे हैं उनका नए आगे जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ कर सकें वो हो जाती है हमारी रिसर्च तो ये थी हमारी तीन डेफिनेशंस रिसर्च की आई होप आप समझ गए होंगे वट इज़ रिसर्च रिसर्च क्या होती है अब कहीं भी आपको रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आ जाए आप इन तीन डेफिनेशंस को मीनिंग के साथ लेके आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे अगर आपको कंप्लीट टॉपिक जो समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हैव ए नाइस डे